हेलो दोस्तों, आज हम कढ़ाई पनीर बनाएंगे। इसे हम स्पाइसी मसालेदार और बहुत ही रिच फ्लेवर से तैयार करेंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है ये, आप इसे इजीली घर पर बना सकते हैं। कढ़ाई पनीर की इस स्पाइसी रेसिपी को हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टाइप में बनाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने डाइस शेप में कटा हुआ 200 ग्राम पनीर लिया है, 3 कटी हुई शिमला मिर्च ली है, 2 स्लाइस कटे हुए प्याज और 2 स्लाइस कटे हुए टमाटर लिए हैं। ग्रेवी के लिए हमने 5 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं, 2 हमने कटी हुई हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है और थोड़े से हमने काजू लिए हैं, थोड़ा सा हमने कद्दूकस किया हुआ पनीर लिया है, 2 चम्मच हमने कटा हुआ लहसुन लिया है, 1 कप बारीक कटा हुआ धनिया लिया है और 1 कप हमने दूध की मलाई ली है। आप फ्रेश क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं। मसालों में हमने 2 चम्मच लाल मिर्च ली है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 2 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और स्वादानुसार नमक लिया है। सबसे पहले हम ग्रेवी तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल देंगे, इसमें हम अदरक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, काजू डाल देंगे, टमाटर डाल देंगे, इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब इसे हम कवर करके 5 मिनट तक पका लेंगे। पाँच मिनट के बाद हमारे टमाटर पक चुके हैं, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसे पीस कर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब हम एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे, इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें लहसुन डाल देंगे, जीरा डाल देंगे, स्लाइस्ड प्याज और टमाटर डाल देंगे। 1 मिनट तक हम इसे पका लेंगे। 1 मिनट के बाद हम इसमें कटी हुई शिमला मिर्च डाल देंगे, इसे हम 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, हल्दी पाउडर डाल देंगे, धनिया पाउडर डाल देंगे और स्वादानुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। अब हम इसे फिर से 3 मिनट तक पका लेंगे। 3 इसमें हम कद्दूकस किया हुआ पनीर डाल देंगे, कटा हुआ धनिया डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद हम इसे 2 मिनट तक और पका लेंगे। अब इसमें हम कटा हुआ पनीर डाल देंगे, इसे भी हम 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट के बाद अब हम इसमें तैयार की हुई ग्रेवी डाल देंगे और अब हम इसे मिक्स करते हुए लगातार 6 से 7 मिनट तक पका लेंगे। आप इसे लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे और स्पाइसी बना सकते हैं। अब इसमें हम दूध की मलाई डाल देंगे और फिर से हम 2 से 3 मिनट तक इसे पका लेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे, ये देखिए हमारी स्पाइसी कढ़ाई पनीर तैयार हो चुकी है। इसे हम थोड़े से काजू से डेकोरेट कर लेंगे। 1 चम्मच में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे और इसमें हम 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। इसे हम कढ़ाई पनीर के ऊपर डाल देंगे।
इससे इसका कलर भी अच्छा आएगा और ये बहुत स्पाइसी बनेगी। अगर आपको हमारी मसालेदार स्पाइसी कढ़ाई पनीर की रेसिपी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू दोस्तों।